यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल का रिजल्ट आ चुका है और यूपीएससी टॉपर की लिस्ट में पांचवें स्थान पर भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख, जो कि पेशे से केमिकल इंजीनियर हैं, वो पांचवें स्थान पर आई हैं। महिलाओं में सृष्टि पहले स्थान पर है और उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी और जिसमें उन्हें देश भर में पांचवा स्थान मिला है। सृष्टि के पिता जयंत देशमुख भी पेशे से इंजीनियर है, वहीं उनकी माँ सुनीता शिक्षिका है। सृष्टि के बारे में बात करें तो साल 2018 में भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक किया था और इसके बाद उन्होंने भोपाल से एक साल यूपीएससी की तैयारी की और तैयारी के एक साल बाद ही उन्हें यूपीएससी में सफलता मिल गई और उन्होंने पांचवी रैंक हासिल कर ली। उनका कहना है कि वो बचपन से ही IAS बनने का सपना देख रही थी और इसमें उनके माता पिता ने उनका काफ़ी सहयोग किया है। उनके भाई बहनों की बात की जाए तो उनके अलावा घर में छोटा भाई भी हैं और दादी भी हैं। छोटा भाई अभी सातवीं कक्षा में पढ़ता है और वो कहती हैं कि वो अपने पूरे परिवार में पहली लड़की है जो IAS बनेगी और उनके माता पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। सृष्टि ने कहा कि उनका मानना है कि अगर सही दिशा में तैयारी की जाए तो IAS की परीक्षा पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो बताती हैं कि बचपन से ही उनका पढ़ाई के प्रति विशेष रुझान रहा है और उन्होंने 10वीं की परीक्षा 10 CGPA और CBSE बोर्ड से 12वीं में 93.2% अंक से हासिल की थी और फाइनल मेरिट लिस्ट 2018 में आयोजित मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च 2019 में आयोजित इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई है और इस बार 759 उम्मीदवारों का चयन हुआ है और इनमें जनरल कैटेगरी के 361, OBC के 209, SC के 128 और ST के 61 उम्मीदवार शामिल है। पहले स्थान पर कनिष्क कटारिया का नाम है और दूसरे पर अक्षत जैन और जुनेद अहमद तीसरे स्थान पर रहे हैं और सृष्टि को पाँचवा स्थान मिला है। वहीं महिलाओं में सृष्टि को पहला स्थान मिला है और वो एक ही बार में UPSC की परीक्षा पास कर पांचवी नंबर की रैंक लाने में कामयाब रही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।